तो आइए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इसने कहा कि मुझे सम निकालना है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि डिविजिबल है 6 से, जो कि डिविजिबल है 6 से। तो सबसे पहले मुझे ये क्या है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर कौन सी है कि वो 40 तो बनाए, पहले स्टार्ट तो करें कहीं से कि कहां पर है वो नंबर्स जो कि 6 से डिविजिबल होते हैं। पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा क्या वो 6 होगा? यस इट विल बी 6। यानी पहला नंबर या पॉजिटिव कहूं मैं कि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होगा दैट विल बी 6। एंड इसके बाद दूसरा नंबर जो कि 6 से डिविजिबल होगा क्या वो 12 होगा? यस इट विल बी 12। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नंबर की अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बस वो नंबर ही प्रीवियस वाले में आप क्या करते रहो, ऐड करते रहो, है ना। कि मुझे पता है पहला नंबर जो कि 6 से डिविजिबल होगा वो तो 6 ही होगा, द नंबर इटसेल्फ, है ना। फिर उसके अंदर आप क्या करो 6 एंड 6 ऐड करते रहो तो आपको क्या है एक लिस्ट ऑफ द नंबर्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको चाहिए क्या, सबसे पहले तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए और निकालना क्या है आपको, सम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? सम निकालना है। तो आप ये देखिए क्या यहाँ पर आपको सम 40 यानी कि एक्स 40 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए ए जो कि आप जानते हैं, डी जो आप जानते हैं, और चाहिए एन वो भी आप जानते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी डन इन टू वेज। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो डायरेक्ट ही एस 40 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या एन बाय टू और अंदर क्या 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एक तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको हिंट्स देती जाऊंगी हर एक क्वेश्चन में। अब एक तो है मेथड ये, और एक मेथड है क्या कि आप लगाओ दूसरा वाला एस एन का फॉर्मूला दैट सेज कि आप क्या करो एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन। ए एन का मतलब कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 40 इंटीजर्स चाहिए ना, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं ए 40 निकाल लेते हैं। ए 40 भी आप जानते हो आप कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, दैट इज ए प्लस ए कितना है, ए तो आपको जानते हो आप कितना है ए, तो 39 इंटू डी कितना है अगेन 6। तो इधर यू कैन फाइंड दिस एंड देन यू कैन पुट इन टू द फॉर्मूला, राइट। नाउ आप क्या कर सकते हो, दोनों ही तरीकों में से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो जैसे आपका मन करता है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर ए एन निकाल करके आप क्या है एस एन जो कि आपका कौन सा है n by 2 a plus a n ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, राइट। कैलकुलेशन अगेन आई एम लीविंग फॉर यू, आप खुद कर सकते हो। हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिमिलर ही है ये भी। इसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी मल्टीपल्स ऑफ 8 अब निकालने पड़ेंगे। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, this was question number 12, right? This was question number 12 and now question number 13. इसने कहा first 15 multiples of 8, पहला multiple of 8 कौन सा होगा, multiple of 8 होगा 8, the number itself, and the second multiple will be 16, third will be 24 and so on, yes, चलता रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए S15, तो S15 में आप जानते हैं जैसे मैंने ऊपर वाला question solve किया, सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 8 एंड n यानी कि 14, n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 15 माइनस 1 एंड d कितना है अगेन 8। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर, इजी। तो 13th क्वेश्चन वाज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 12। आपने क्या करना है, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, या मैं कहूं कि मल्टीपल्स और द नंबर्स डिविजिबल बाय, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम लाइन पे चलते हैं। आपने बस एक लिस्ट ऑफ द नंबर्स निकालना है कि कौन सा नंबर है या कौन से वो लिस्ट ऑफ द नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल होंगे बाय पर्टिकुलर नंबर जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो बिल्कुल पहले जैसा सही, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप याद करो मैंने आपको क्या है एक चीज बताई थी, क्या अगर कहीं पर ये चीज यूज हो जाए बिटवीन 0 एंड 50, दैट मींस यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड 0, यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड 50।
यानी मैं अगर कहती हूँ 0 and 50 तो मुझे 0 और 50 को इंक्लूड नहीं करना। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये ओड नंबर्स है नहीं, मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द नंबर्स जो कि कैसे हो, ओड हो और 0 और 50 के बीच में आते हो। ठीक है, तो 0 के बाद पहला नंबर है 1, 50 से पहला नंबर है 49। क्लियर है इतना, कोई डाउट? राइट, अब क्या करिए, मुझे क्या है यहाँ पर एपी चाहिए। एपी कैसे, ओड नंबर्स की एपी, जिसका पहला टर्म क्या होगा 1 और दूसरा टर्म क्या होगा 3, तीसरा टर्म होगा 49 और लास्ट टर्म, सॉरी तीसरा टर्म होगा 5 और लास्ट टर्म होगा मेरा 49। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज कि मुझे एक ऐसी लिस्ट ऑफ द नंबर्स मिल गई जो कि है ऑड एंड दे आर बिटवीन 0 and 50। अब मुझे निकालना है इन नंबर्स का सम, लेकिन बेटा याद करिए सम निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए एन, मुझे पता होना चाहिए एन, समझ में आया? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एन निकालते हैं। एन कैसे निकालेंगे, यूजिंग ए एन फॉर्मूला। वो याद करो संजीवनी बूटी कौन सी थी हमारी, कौन सी यूज करते थे, ए एन का फॉर्मूला लगाते थे, दैट वाज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू टी। ए क्या है बेटा यहाँ पर 1 और एन तो हमें नहीं पता, और डी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डी है आपका 2, क्योंकि हर 2 के डिफरेंस पर आपको क्या है ऑड नंबर्स मिलते जा रहे हैं। और ए एन की वैल्यू क्या है बेटा, ए एन की वैल्यू है 49। तो सॉल्व करते हैं 1 plus 2n minus 2, तो मुझे यहाँ क्या मिला 2n minus 1, एंड देन रीशफलिंग इट वी विल गेट 2n इज इक्वल टू 49 plus 1, दैट विल गिव यू 50 एंड n इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स मुझे ये पता चल गया कि 0 और 50 के बीच में 25 ऐसे नंबर हैं जो कि क्या है ऑड है। Now what I have to do, I need to find S25, मुझे S25 चाहिए। अब मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट सूटेबल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है वही वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए क्या n by 2 यानी 25/2 into a plus an, a कितना है बेटा 1 और an कितना है 49, तो ये कितना हो गया 1 plus 49 is 50, 25/2 इंटू 50, इसको मैंने कैंसिल किया मुझे मिला 25, एंड 25 इंटू 25 इज वेरी इजी, दैट इज 625। समझ में आया, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, हो भी गया, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 15, दैट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑन कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलो। मतलब क्या है कि कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, राइट, कोई कंस्ट्रक्शन जॉब में जैसे जैसे काम डिले होता रहता है उसके लिए पेनल्टी सेट करा हुआ है। ठीक है, पेनल्टी कैसे सेट किया हुआ है कि पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे दैट इज 200 एंड फॉर द सेकंड डे 250, थर्ड डे इट इज 300 एंड सो ऑन, एंड पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रुपीज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी आप वैसे भी देख पा रहे हो कि जैसे फर्स्ट डे में 200 था, फिर 250 एंड फिर 300, तो जो बीच का डिफरेंस है मतलब कि बिटवीन जैसे जैसे गैप बढ़ता रहेगा वो कितना वो इंक्रीज कर रहा है 50। ठीक है, तो हाउ मच मनी अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर पेनल्टी यानी कि पेनल्टी क्या है बढ़ती जा रही, मान लो 2 दिन काम लेट हो गया तो पहले दिन के लिए तो उसने कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 200 रुपए, और दूसरे दिन के लिए 250, राइट, 250, तो टोटल कितना हो गया, उसे 2 दिन अगर काम लेट करा तो 450 देना पड़ेगा, राइट। तो दैट मींस अगर काम जो है वो 30 डेज लेट हो गया तो क्या देना पड़ेगा बेटा, सम देना पड़ेगा। सम मतलब कि एस 30 डेज के लिए कितना बनेगा सम, वो ही देना पड़ेगा। बट फॉर दैट वी नीड टू चेक क्या ये एपी बन रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, पेनल्टी है ना, पेनल्टी जो है वो आई नहीं आएगा इसमें, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे कितना है बेटा 200 रुपीज। ठीक है, और पेनल्टी फॉर द सेकंड डे कितना है 250, थर्ड डे के लिए कितना है 300। तो ये जो है आपके पास इट इज एन एपी, यू विल राइट डाउन इट इज एन एपी, ये एक एपी है वेयर, ये एक एपी है वेयर ए इज इक्वल्स टू 200 एंड d is equals to
कितना है बेटा रुपीज 50, राइट। ये कितना है 50 रुपीज, राइट। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है या कॉन्ट्रैक्टर है उसे कितने पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर काम जो है वो 30 दिन लेट हो जाता है। 30 दिन लेट हो जाता है यानी यू नीड टू फाइंड S30, क्योंकि अगर 30 दिन काम लेट हो गया तो पहला दिन, दूसरा दिन एंड सो ऑन अप टू 30 दिन तक जितना भी पेनल्टी बन रहा है वो देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर दिन के रुपीज को एड करना पड़ेगा। तो ऐड करना है तो S30 निकाल लेते हैं, जो कि क्या है आपके पास SN, यानी कि S30 30/2 2 into A, A कितना है बेटा 200 प्लस N माइनस 1 कितना 30 माइनस 1 29 into D कितना है 3, राइट। तो यहां पर आप क्या है इसको सॉल्व करिए एंड गेट योर आंसर। सिंपल समझ में आया ना, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा कि यहाँ पर हमने S30 ही क्यों फाइंड आउट किया। वो इसीलिए फाइंड किया क्योंकि मुझे क्या कहा गया है कि पहले दिन यानी हर दिन की अलग अलग पेनल्टी है ना, हर दिन की अलग अलग पेनल्टी है और कहा गया है कि अगर एक दिन काम लेट हो गया तो इतना देना पड़ेगा, दो दिन लेट हो गया तो 250, मतलब सेकेंड डे के लिए 250। लेकिन अगर काम दो दिन लेट हो गया तो पहला दिन और दूसरा दिन दोनों के रुपीज देने पड़ेंगे, राइट। तो इसी तरीके से अगर 30 डेज का काम डिले हो गया तो पहले दिन के भी देने पड़ेंगे, 15th डे के भी देने पड़ेंगे, 17th के भी, 18th के भी एंड सो ऑन अप टू 30th एंड 29th के भी पैसे देने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, है ना। तो उसके लिए मैंने निकाला S30, जो कि मैंने कैलकुलेशन छोड़ दिया है आपके ऊपर, आप खुद करेंगे, राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, राइट। यानी 7 कैश प्राइजेस देने हैं 700 रुपीज में से। तो कुछ बच्चे तो कहेंगे मैम 100 सबको दे दो, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि सबको इक्वल गिफ्ट नहीं देने, सबको इक्वल प्राइजेस नहीं देने। इसमें लिखा है प्राइजेस जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए देना है। यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे, अगर कोई फर्स्ट आया है तो उसे कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, सेकंड आया है तो उसे कोई स्कॉलरशिप मिलेगा। तो क्या फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चों को स्कॉलरशिप सेम मिलता है? नहीं ना। तो इसीलिए हमें सेम नहीं करना। देखते हैं आगे कि किस तरीके से उनको अरेंज करना है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, यानी जो हमें प्राइज सेट करना है वो क्या करना है, 20 लेस करना है पीछे वाले से। तो यहाँ पे डी कितना हो गया, 20 लेस की बात करना है यानी कि माइनस करना है ना, तो डी विल बी माइनस 20 इन दिस केस, राइट। तो इसने कहा कि 20 लेस देन द प्रीसीडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, यानी ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। यहाँ पर आपने क्या है थोड़ा सा लेट यानी अजम्पशन वर्क करना पड़ेगा। अजम्पशन वर्क से मेरा मतलब है कि अज्यूम कर लेते हैं लेट द फर्स्ट प्राइज इज 20, है ना। लेट द फर्स्ट प्राइज 20 की बजाय अगर हम ए अज्यूम कर ले तो ज्यादा बेटर है। लेट द फर्स्ट प्राइज, जो कि फर्स्ट प्राइज देना है वो क्या है, फर्स्ट प्राइज भी ए, है ना। फर्स्ट प्राइज अगर ए है, रुपीज ए सॉरी, कि वो 700 करना है ना, तो फर्स्ट प्राइज जो है वो ए है। अब इसी तरीके से क्या करा है, क्या सो द सेकेंड प्राइज, जो सेकेंड प्राइज होगा वो क्या होगा, सेकेंड प्राइज भी होगा कितना, पहले वाले से कितना 20 कम। लिखा है ना कि पीछे वाले से प्रीसीडिंग से क्या हो 20 लेस हो, यानी ए अगर पहला था तो ए माइनस 20 क्या हो जाएगा, दूसरा प्राइज। तो इसी तरीके से जो थर्ड प्राइज होगा वो क्या होगा राजे, थर्ड प्राइज हो जाएगा कैसा कि पीछे वाले में से यानी ए माइनस 20 में से 20 को और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये मुझे मिलता है रुपीज ए माइनस 40। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए ये जो लिस्ट है ए माइनस 20 एंड ए माइनस 40, ये क्या है आपका एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसमें डी कैसा है माइनस 20, क्योंकि मैं आपको पहले भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ पर 20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन, यानी पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट क्या है हर टर्म के बीच में डिफरेंस शो हो रहा है, हो रहा है। और डिफरेंस आप जानते हैं नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो यू विल राइट डाउन इन द सेम मैनर कि इट इज एन एपी, यहाँ पर भी आप लिखेंगे इसी तरीके से, इट इज एन एपी वेयर ए इज इक्वल्स टू ए, यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है ए है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है माइनस 20, राइट। सो राइट नाउ इट इज एन एपी, दिस लिस्ट ऑफ द फॉर्म जो है
ये लिस्ट ऑफ द नंबर जो है वो एपी फॉर्म करता है, राइट? तो इट इज एन एपी, इट इज एन एपी. यहां पर क्या मुझे नंबर ऑफ द टर्म्स के बारे में पता है? टोटल, टोटल पता है ना. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे कितने प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो अगर A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, तो हम A7 निकाल सकते हैं ना. चलिए देखिए एक बार. इट इज एन एपी वेयर A इज इक्वल्स टू, या मैं कहूँ फर्स्ट टर्म जो है, वेयर फर्स्ट टर्म इज A एंड B इज इक्वल्स टू -20, राइट? तो ये जो एपी है मैं यहां पर लिख भी देती हूँ. द एपी विल बी A -20, A -40 एंड सो ऑन अप टू, ये कहां तक जाएगा? सेवेंथ टर्म तक जाएगा. सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हो गया? A+6D. A कितना है? A ही है, ठीक है? प्लस 6D. 6 × -20 कितना होता है? 6 × -20 कितना होगा? -120, ठीक है? तो यहां पर मुझे मिलेगा A -120, यानी लास्ट टर्म, सेवेंथ टर्म क्या होगा मेरा? A -120. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A. ये क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है. अब एक्स्ट्रा चीज और क्या गिवन है मुझे साथ में? मुझे साथ में ये गिवन है कि F7, यानी कि इन सब का सम, ये जो मुझे कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इन सब का सम कितना है? 700. क्या है? 700. देखिए S7 का फॉर्मूला लगा देते हैं. S7 का फॉर्मूला क्या होगा? 7/2 × क्या? क्या मुझे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है? है ना, फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म यानी A7. तो A+A -120, क्लियर है? हमें ये पता है. साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि S7 कितना है. S7 इज 700. 7/2 इधर कितना आ गया? 2A -120. यहां से 2 कॉमन निकाला जा सकता है? यस, डेफिनेटली निकाला जा सकता है. तो ये क्या बन गया? 7/2 × 2. 2 कॉमन लिया, अंदर बचा A -60. ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब देखिए इधर आपके पास क्या था बेटा? 700 था. तो ये जो 7 था इधर मल्टीप्लिकेशन में, इट विल गो इन डिवीजन, और रीशफलिंग से मुझे मिल गया क्या? A-60 इज इक्वल टू 700/7. ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसे कैंसिल किया मुझे मिला क्या? A-60 इज इक्वल टू 100. तो यहाँ पर फिर से देखिए A की वैल्यू क्या आ गई? 100+60. तो 100+60 कितना हो गया? 160. दैट मीन जो फर्स्ट प्राइज होने वाला है वो कितने का होगा? 160 का. ठीक है, तो 160 होगा पहला, और दूसरा कितना हो जाएगा? 140, और फिर कितना हो जाएगा? 120, एंड देन 100, एंड देन सो ऑन. ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? बहुत क्लियर, वेरी गुड. चलिए यहां से मेरे पास क्या है? 160, यानी A की वैल्यू आ गई. अब लास्ट प्राइस बता दो मुझे फटाफट से, क्या होगा? 160 - 120 कितना होता है? 40. यानी जो बच्चा सेवेंथ प्राइस रिसीव करेगा तो उसे कितने रुपीज मिलेंगे? ₹40. तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ बेटा कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना. तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है. ठीक है, इसे समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या करना है. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो अज्यूम कर लीजिए अजम्पशन वर्क आपका काम करेगा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जो कि कहता है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन, मतलब स्टूडेंट्स ने सोचा कि हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन. ये हमें सबको करना चाहिए, राइट? हमें भी अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास. मतलब क्या कहा? कि कितने प्लांट्स प्लांट करेंगे, जिस क्लास में बच्चे हैं ना उसी क्लास के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट क्लास में है तो 1 प्लांट, सेकेंड में है तो 2 प्लांट्स, अगर टेंथ में है तो कितने प्लांट्स करेंगे? 10 प्लांट्स, राइट? तो यहाँ पर कहा गया है क्या कि ईच सेक्शन जो कि है, मतलब ईच सेक्शन ऑफ द क्लास, ये तो हमने पढ़ लिया. ये कह रहा है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, है ना, कि एक क्लास के 3 सेक्शन है.
तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. और क्लास कहां तक है? अप टू 12, राइट. तो 12 तक क्लासेस है. तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि जो फर्स्ट क्लास है वो कितने प्लांट्स प्लांट करेगी, सेकेंड क्लास कितने प्लांट्स करेगी, थर्ड क्लास एंड सो ऑन अप टू 12th क्लास. तो क्या ये एपी बनाएगा? अगर एपी बनाएगा तो हमें क्या निकालना होगा? उन सभी टर्म्स का सम निकालना होगा, राइट. और नंबर ऑफ द टर्म्स कितना होगा बेटा? क्लास वन यानी कि A1, क्लास टू यानी A2, यानी क्लास वन कितने प्लांट करेगी, वो A1 हो गया अगर ऐसा होता है तो. बट लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट कि क्लास वन जो है वो कितना करने वाली है. अब देखो क्लास वन है तो उसको कितने प्लांट्स प्लांट करने हैं? 1. लेकिन सेक्शन कितने हैं? 3. तो हर एक सेक्शन ने 3 एक एक प्लांट प्लांट किया तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए ना. तो इसी तरीके से यानी कि 17th क्वेश्चन, ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, ठीक है, वो कितना होगा? 3 × 1 दैट इज 3. सिमिलरली ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2, क्लास 2 बेटा कितने प्लांट्स करेगी? 2. लेकिन सेक्शन कितने हैं? 3. तो 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया. ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3, 3 क्लास में कितने करने हैं? 3. बट सेक्शन कितने हैं? 3. तो ये पहला 3 है बेटा, इट इज डिनोटिंग द सेक्शन, ओके. और ये जो लास्ट वाले हैं यानी क्लास 1 प्लांट करेगी 1, 2 करेगी 2, 3 करेगी 3, राइट. एंड सो ऑन अप टू, ये कहां तक चलेगा? अप टू क्लास 12 तक चलेगा. क्लास 12 कितना करेगी? 3 × 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 36 होगा ऐसा. अब मुझे बताइए क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9. That means between two consecutive numbers, मेरा जो common difference आ रहा है वो same आ रहा है. That means it forms an AP. या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि the number of the plants जो हैं, they form an AP. This you will do on your own. ये जो आपका language section है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है? आप इसको अपनी language में लिख सकते हो कि ये जो number of the trees है, they are forming an AP. तो वो AP बना रहे हैं. तो मुझे क्या निकालना है? I need to find S12. और आप कर सकते हो ये. आपने सिर्फ क्या करना है, S12 के फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज आप जानते हैं वो सब पुट कर देना है. यहाँ पर आप क्या जानते हैं? यहाँ पर आप जानते हैं फर्स्ट यानी फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू भी जानते हैं, नंबर भी जानते हैं, दैट इज 12, है ना. यानी A1, A2, A3 यही डिनोट कर रहा है ना, A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A12. तो यानी A12 भी आपको पता है, S12 निकालना है. कर सकते हैं, वेरी इजीली कर सकते हैं. बट स्टिल डाउट आता है तो आप मुझे क्वेरी सेक्शन में इसको डाल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट से. 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप. आपको स्पाइरल दिख रहा है राजे? दिख रहा है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए बी, स्टार्टिंग विद ए एज सेंटर ऑफ रेडियस 0.5, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 एंड सो ऑन, ठीक है. यानी एक सेमी सर्कल बन रहा है और जो सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो मुझे दे रखा है कि पहले वाले की 0.5 है, दूसरे वाले की 1 है और तीसरे वाले की 1.5 एंड सो ऑन, इट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल. यानी मुझे क्या निकालना है राजे? मुझे निकालना है S13, यानी कि सारे के सारे स्पाइरल्स अगर जो बन रहे हैं उनकी मुझे लेंथ निकालनी है. लेकिन अगर सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में मैं लेंथ की बात करती हूँ, क्या ये सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है? कर रहा है ना. तो दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है? मुझे सर्कल का सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए. फटाफट से बताओ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा? वैसे सर्कल का ही क्या होता है पहले तो यही बता दीजिए. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है बेटा? होता है 2πr, होता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या वर्ड ऐड कर देती हूँ, सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा? इजंट इट द हाफ? सेमी मतलब हाफ सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो आपका सर्कमफ्रेंस होगा उसका भी हाफ कर दिया जाए तो मुझे मिलेगा पाई आर. दैट मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आ गया मेरे पास पाई आर. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है पहले वाले स्पाइरल का सेमी सर्कल, यानी पहले वाले स्पाइरल का सर्कमफ्रेंस, उसको ऐड कर देना है दूसरे वाले सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में. फिर ऐसे ही हमें
13 सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला में सिर्फ आर यूज हो रहा है ना, और आर हमें गिवन है, राइट। तो ये लैंग्वेज पार्ट आई एम लीविंग फॉर यू, लैंग्वेज आप खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। मैं सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन पार्ट यानी कि हिंट आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द रेडियस आर गिवन टू मी फर्स्ट, यानी अगर मैं इसे आर वन से डिनोट करती हूँ तो आर वन की वैल्यू मुझे गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, आर टू की वैल्यू मुझे गिवन है 1.0, दैट इज ओनली 1, आर थ्री की वैल्यू है 1.5, आर टू फोर की वैल्यू मुझे गिवन है 2.0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये जो आर है, जो रेडियस है, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं विद अ कॉमन डिफरेंस बी इक्वल्स टू 0.5। ये इसमें अगर 0.5 ऐड कर दिया तो मुझे 1 मिल गया, इसमें 0.5 ऐड किया तो मुझे 1.5 मिल गया, इसमें 0.5 ऐड किया तो मुझे R4 दैट इज 2.0 मिलेगा। क्लियर है, मिलेगा ना। देखिए अब मैंने क्या किया, मुझे निकालना है क्या, लेंथ निकालना है। तो वो लेंथ कैसे निकलेगा राजे, लेंथ निकलेगा S13 की फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मुझे कहा है कि मुझे ऐसे 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल की मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ से मतलब सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। क्या ये कुछ ऐसा होगा, पाई ऑफ आर वन प्लस पाई ऑफ आर टू प्लस पाई ऑफ आर थ्री एंड सो ऑन अप टू पाई ऑफ आर 13, ऐसा होगा, होगा ना। तो आप क्या करो, यहाँ से पाई को कॉमन ले लो, पाई को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया आर वन आर टू एंड सो ऑन अप टू आर 13। लेकिन हम जानते हैं कि R1, R2 एंड R13 जो है वो तो AP फॉर्म कर रहे हैं, यानी इस AP यानी ये जो टर्म्स का मैंने एडिशन किया है ये तो AP के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स पाई इनटू 2A है ना, 2A यानी फर्स्ट टर्म कितना है आपका 0.5, 2A प्लस n माइनस वन कितना हो गया बेटा 12, d कितना हो गया 0.5। अब इसी के साथ में क्या मुझे n by 2 भी लगाना था ना, कि S13 क्या कहता है, S13 कहता है फॉर्मूला में कि n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पर लिखने के बजाय मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो ये 13 by 2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, इसको क्या करें आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं एक ही कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलने वाली है, वो कांस्टेंट वैल्यू आपने लिख देना है। नाउ फटाफट से मुझे एक बार यूनिट और बता दो कि इसकी यूनिट क्या होने वाली है, सर्कमफ्रेंस यानी कि लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या आपके पास सेम ही रहने वाली है, दैट इज आपकी रेडियस है ना। तो समथिंग इन टू सेंटीमीटर यू विल गेट इट, फाइंड इट एंड सॉल्व, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है, ये भी आप खुद करने वाले हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। देखिए यहां पर लिखा है 200 लॉग्स, यानी लॉग्स मतलब क्या होता है, लकड़ी के लट्ठे, जैसे कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन में, आपको क्वेश्चन में पिक्चर दिख रही है आपको, जो लकड़ी के मोटे मोटे से लट्ठे होते हैं, मतलब कि मोटी मोटी लकड़ियां आप समझ सकते हो, मोटी मोटी लकड़ियां हैं। 200 लॉग्स आर स्टैक इन सच अ मैनर, उसको एक इस मैनर में लगाया है, कैसे कि एक पिरामिड की शेप बनाना चाह रहे हैं वो शायद, है ना। पिरामिड कैसे बनता है, सबसे नीचे वाले में सबसे ज्यादा नंबर लगते हैं, जो भी जिस भी चीज का हम पिरामिड बनाते हैं, हमने कार्ड्स का बहुत यूजुअली बनाया, कार्ड्स का पिरामिड सब बनाते हैं, तो नीचे वाले के अंदर हम सबसे ज्यादा कार्ड्स प्लेस करते हैं, फिर कम एंड सो ऑन वो बनता रहता है ना। तो इन्होंने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही ट्राई करने की कोशिश कर रही है, पर ये क्या कह रहे हैं कि 200 लॉग्स जो है वो इस तरीके से लगाए हैं कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, फिर 19 इन द नेक्स्ट, फिर 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, राइट। देखो मुझे क्या दिया गया है, अगेन द क्वेश्चन जो है वो इसका जो लैंग्वेज पार्ट है दैट यू विल टेक केयर ऑफ। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, जहां पर आप अटकते हैं या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्वेरी सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इसने कहा फर्स्ट रो में है 20, नेक्स्ट रो में है 19, फिर है 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए क्या ये एक एपी बन रहा है, एपी बन रहा है विद द कॉमन डिफरेंस माइनस वन। ठीक है, तो
आपने लिखना है क्या कि इट फॉर्म्स एन एपी विद ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू -1. ऑल्सो आपको पता है क्या कि मुझे एस एन की वैल्यू पता है, एस एन की वैल्यू पता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ द रोज तो मैं जानती ही नहीं हूँ. एस एन की वैल्यू पता है मुझे 200. एस एन की वैल्यू पता है मुझे 200. अब इसने ये भी बोला है कि लास्ट वाली रो में कितने लॉग स्टैक किए गए हैं. मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लास्ट रो है कौन सी. ए जो एन है, एन की वैल्यू तो पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ द रोज है बनी हुई. तो फटाफट से करते हैं इसको. क्या किया, एस एन का फॉर्मूला लगाया मैंने विच इज एन बाय 2 इन टू में क्या होगा 2a, यानी कि 2a 2 into 20 plus n minus 1 into b, b कितना है minus 1, तो n by 2 यहां आ गया 40 minus 1 minus n sorry और ये हो गया plus का 1. ये बना कितना बेटा 40. sn की वैल्यू भी पता है हमें कितना 200, लगा देते हैं 200. यहां पर कितना आया 41 minus n. अब ये 41 माइनस एन है, यहाँ एन मल्टीप्लीकेशन में, दैट मीन्स व्हाट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है. ठीक है, तो इस 2 को आप क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए भेज दो और बाय वी शफलिंग मुझे मिलता है क्या 41 एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 200 से 2 को मल्टीप्लाई किया गया तो मुझे मिला 400. नाउ टेकिंग द माइनस कॉमन और 400 को क्या किया मैंने इस तरफ ले आई, ट्रांसपोज कर दिया. अब आपने माइनस को कॉमन लिया, मुझे मिला एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0, राइट. अब मुझे क्या करना है, 400 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिसका मैं जानती हूँ कि मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है मैम, मेरे तो बहुत मुश्किल है 400 के ऐसे फैक्टर्स जिसका 41 क्या हो, समझ आए. क्या करो, जहाँ पे समझ में ना आए फैक्टर्स क्या बनेंगे, क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है. So comparing it with ax square plus bx plus c, we have the values of a is equals to 1, b minus 41 and c equals to 400. So yahan par values nikalte hain hum, n is equals to minus b, minus already hai, plus minus under root 41 ka square plus 4ac, 4 into 1 into 400, clear hai, divided by 2a, 2 into 1. ठीक है, इतना समझ में आया. अब इसको आप सॉल्व करिए फटाफट से, देखें क्या आता है इसको सॉल्व करने पर. 41 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा यहाँ पर देखो हमने एक मिस्टेक करा था वो मैं ठीक कर देती हूँ. यहाँ पर आएगा माइनस का 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा यहाँ पर. और हम करते हैं अब यहाँ पर 41 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करा मैंने तो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, और ये कितना मिलेगा आपको 4 into 400 दैट मीन 1600 डिवाइडेड बाय 2. जब इसको मैंने क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्शन किया, मुझे मिला 81. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, 81 को अंडर रूट से बाहर निकाला तो मुझे पता है 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9. तो यहाँ पर मुझे n की वैल्यू मिलती है क्या 41 प्लस माइनस 9 बाय 2, दैट मीन्स प्लस माइनस है तो दो वैल्यू होंगी. लेट्स चेक क्या होगा, 41 माइनस 9 बाय 2 एंड वैल्यू होगा 41 प्लस 9 बाय 2. 41 माइनस 9 कितना होगा बेटा, इट विल बी समथिंग फ्रैक्शनल होगा, ऐसा करके देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 41 माइनस 9, 40 माइनस 8 विल बी इक्वल 32, 32 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 2 आपको क्या देता है 60, ये तो नॉन फ्रैक्शनल आ गया. यहाँ पर देखते हैं 41 प्लस 9 कितना हो गया, 41 प्लस 9 होता है 50 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव यू 25. तो यानी आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई है क्या, 16 एंड 25, कि जो नंबर ऑफ द रोज है वो या तो 16 हो सकती है या 25 हो सकती है. तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज के लिए हम लोग ए एन निकाल लेते हैं. मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, a 25 निकाल लेती हूँ. मान लीजिए कि टोटल क्या है, एन रोज जो है वो 25 है, तो जैसे ही मैंने a 25 निकाला राजे, तो मेरे पास आया a+24d. a कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी कितना है माइनस 1. तो देखिए यहाँ पर मुझे मिला माइनस का 4. क्या a 25 यानी माइनस 4 लोग्स क्या प्लेस किए जा सकते हैं, नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स वी हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू, वी विल टेक n इज इक्वल टू
हमने n 16 को क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है एंड वी विल फाइंड a 16. दैट आई एम लीविंग ऑन यू, आप लोग खुद करेंगे कि इसमें क्या है a 16 निकालना है, राइट. अब आपके पास क्वेश्चन में क्या रह गया, सिर्फ यही तो निकालना था कि कितने नंबर ऑफ द रोज है, वो हो गया 16, और टॉप रो यानी 16th रो में कितने लॉग्स हैं, तो वो आप खुद निकाल सकते हैं, राइट. अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20. इस क्वेश्चन में बेटा आपको हिंट भी गिवन है, राइट. सो ये आपके लिए छोड़ रही हूं मैं एज अ होमवर्क, राइट. आपको एक मैं हिंट इसके अंदर बता देती हूँ, क्या कि एक लड़की भाग रही है, उसने अपने क्या करना है, पोटैटो लिया, उसने फर्स्ट डिस्टेंस जो था 5 मीटर का पोटैटो उठाया, फिर वापस से बकेट में रखा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले 5, फिर वापस आई 5 + 5 = 10, राइट. फिर दूसरा जो पोटैटो था वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ था, तो 3 मीटर यानी पहला 5 तो कवर करेगी करेगी वो, फिर उसने 3 कवर किया यानी कि 8 कवर किया, सेकंड पोटैटो उठाया फिर बकेट में रखा, तो सेकंड डिस्टेंस कितना हो गया 8 + 8 यानी 16. तो फर्स्ट जो आपका टर्म हो गया वो हो गया 10, सेकंड हो गया कितना 16, क्लियर है. इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो क्या, ट्वाइस ऑफ 5, पहला उसने 5 डिस्टेंस किया, फिर सेकंड टर्म क्या था 8, एंड थर्ड क्या होगा 8 में 3 फिर से ऐड किया 11. सो दिस इज अ प्रॉपर हिंट फॉर यू गाइस ऑल, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन. आई एम लीविंग दिस एज अ होमवर्क असाइनमेंट टोटली फॉर यू ओनली, ठीक है. सो अगर प्रॉब्लम आती है फिर से हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्कूल जी एंड गेट द एक्सेस टू इनफाइनाइट लर्निंग. थैंक यू.